फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्ते अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों और विवादों में रहते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को गाली तक दे दी थी और इस वजह से दोनों देश में तनाव पैदा हो गया था। अब दुर्ते ने अपने नागरिकों से कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाओ या जेल जाओ। राष्ट्रपति दुर्ते ने एक और विकल्प दिया है, उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं वो देश छोड़कर भारत या अमेरिका चले जाएं। भारत और अमेरिका में ही कोरोना महामारी ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, शायद इसीलिए दुर्ते ने कटाक्ष करते हुए भारत और अमेरिका का नाम लिया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्ते ने कोरोना की वैक्सीन न लगवाने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि जो लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। सोमवार की रात को रिकॉर्डेड संबोधन में दुर्ते ने बातें कही हैं। दुर्ते ने कहा है कि आपके पास विकल्प मौजूद है, या तो आप वैक्सीन लगवा लीजिए या फिर आपको जेल भेजूं। दुतार्ते ने कहा है कि वो अपने देश के उन मूर्खों से आजिज आ गए हैं जो वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। दुतार्ते ने धमकी देते हुए कहा है कि वो वैक्सीन से मना करने वाले लोगों को वैक्सीन लगवा देंगे जो ट्रायल के दौरान जानवरों को लगाई जाती है, कि आप सब जिद्दी हैं। दुतार्ते ने इससे पहले लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को गोली मारने की धमकी दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुतार्ते की धमकी के बाद लॉकडाउन का कथित रूप से उल्लंघन करने वाले कई लोगों को अधिकारियों ने मार दिया। इनमें एक बुजुर्ग और एक पूर्व सैनिक भी शामिल था जिसे स्ट्रेस डिसऑर्डर की समस्या थी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।